काफ़ी ज़्यादा लोग इस चीज़ को लेके काफ़ी परेशान रहते हैं कि हम अपनी पहली म्यूज़िक वीडियो बनाना चाहते हैं तो उस पर कितना पैसा लगाए, किस लेवल पे हम जा पाएंगे उस पैसे के साथ और कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज मैं आपके इन सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ कि आपकी पहली म्यूज़िक वीडियो में कितना आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, उसमें क्या आपको मिलेगा और कहाँ कहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए इस वीडियो में। हे गाइस, मेरा नाम कमलप्रीत सिंह है। मैं पिछले 6 सालों से प्रोफेशनली फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग कर रहा हूँ, जिसमें मैंने काफ़ी सारे म्यूज़िक वीडियोस भी बनाए हैं, काफ़ी लेबल्स के साथ भी मैंने कंटिन्यूस काम किया है और आज भी मैं रेगुलर काफ़ी लेबल्स के साथ काम करता रहता हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे, अगर तो आप पहली अपनी म्यूज़िक वीडियो बना रहे हैं तो कितना आपको पैसा उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। आज हम बात करेंगे सिर्फ म्यूज़िक वीडियो के बारे में। अगर तो आपकी ऑडियो तैयार हो चुकी है तो ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद है। अगर आपकी ऑडियो पे अभी काम चल रहा है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जितना इन्वेस्ट कर सके अपनी ऑडियो पे वो कीजिए, जितनी प्रोफेशनल आप अपना सॉन्ग को बना सके एज इन ऑडियो वो आप कीजिए, क्योंकि एट द एंड अगर हम बात करें तो ऑडियंस को जो चीज़ पसंद आनी है वो है आपका गाना। तो अब अगर आपका गाना बनके तैयार हो चुका है तो किस तरीके से आपको उस पे म्यूजिक वीडियो के लिए काम स्टार्ट करना है। बात करें म्यूजिक वीडियो की तो 3 तरीके से आप अपना बजट डिसाइड कर सकते हैं। पहला तो ये कि या तो आपको म्यूजिक लेबल के ऊपर अपनी वीडियो डलवानी है, दूसरा ये कि आप किसी नॉन के या फिर अपने चैनल पे एक प्रोफेशनल लुकिंग वीडियो बनाना चाहते हैं, और तीसरा ये कि किस तरीके से आप एक सस्ते में वीडियो बनाकर उसको प्रमोट कर सकते हैं और व्यूज ला सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं म्यूजिक लेबल के ऊपर, जो काफी ज्यादा लोगों का ये सवाल रहता है कि हम अपनी वीडियो म्यूजिक लेबल के ऊपर लाना चाहते हैं तो कितना हमारा पैसा लगेगा। देखो, अगर तो आप किसी अच्छे लेबल के ऊपर म्यूजिक वीडियो अपलोड करवाना चाहते हो आपकी, तो आपको काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और वो आपके लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। अब एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाऊं कि मान लीजिए आप किसी एक अच्छे लेवल की कंपनी के म्यूजिक लेबल पे आप डलवाना चाहते हैं अपना सॉन्ग, उनकी डिमांड है कि 1 लाख रुपए आपका लगेगा टोटल वीडियो शूट वगैरह जो भी आपका करने में। अब उसमें आपका नुकसान देखिए क्या है, मान लीजिए कि आपके उसमें 5-6-7 लाख व्यूज आ भी जाते हैं, लेकिन उसमें आपका एक ही सॉन्ग जो है वो बन के तैयार हुआ जिसपे आपके 5 लाख व्यूज आ गए। एंड यकीन मानिए कि अगर आपके वो 5-6 लाख व्यूज आते भी हैं तो उसमें आपका इन फ्यूचर कोई भी ऐसा फायदा नहीं होगा, या फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी रेलगाड़ी चल पड़ी है और आपका काम सेट हो जाएगा। आपको दोबारा से अगर सॉन्ग डलवाना है तो दोबारा इतना पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए बेटर नहीं है एज लॉन्ग रन की अगर हम बात करें। और जो 1 लाख की मैं बात कर रहा हूँ वो आपका मिनिमम बजट है, इससे ऊपर का ही पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है इस तरीके के प्रोफेशनल लुकिंग मतलब म्यूजिक लेबल्स के ऊपर। अब एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको थोड़ा और समझाने लगूँ तो म्यूजिक लेबल आप एक तरीके से लगा सकते कि एक फैक्ट्री है जहाँ पे आपका सॉन्ग जो है एक प्रोडक्ट है। अब एक सिंगल प्रोडक्ट आपका एक इतनी बड़ी फैक्ट्री में है जहाँ पे ढेरों लाखों ऑप्शंस है ऑडियंस के लिए, उनमें से कुछ भी वो बाय कर सकते हैं। मतलब कि आपका सॉन्ग आएगा, कब चला जाएगा, उसके ऊपर नए सॉन्ग्स भी आ जाएंगे, तो उससे लेबल को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके सॉन्ग के ऊपर कितने व्यूज आ रहे हैं। तो इसकी जगह अगर तो आप दूसरा तरीका अपनाते हैं वो आपके लिए काफी बेटर रहेगा। अब मान लीजिए कि आपका बजट है 1 लाख का, जिसमें आप फ्रीलांसर्स के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं जो प्रोफेशनल वीडियोस किसी अच्छे कैमरा से बना सकते हैं। अब वो आपसे लेते हैं 20-25-30 हज़ार की रेंज के बीच का आपका बजट वो लेते हैं आपसे, जिसमें वो शूट और एडिट करके आपको देंगे। अब आप अपना सॉन्ग अपने चैनल पे डाल सकते हैं या फिर किसी ऐसे YouTube चैनल पे डाल सकते हैं जिनके कुछ 1000 सब्सक्राइबर्स हैं या 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, ताकि आपके पास थोड़ी बहुत ऑडियंस भी हो जो आपके सॉन्ग पे व्यूज लाके आपको दे सके। अब इसमें आपके पास 2 फायदे होते हैं, एक तो ये कि 20,000-25,000 का आपका एक सॉन्ग बना है तो आप 4 या 5 सॉन्ग की वीडियोस बनवा सकते हैं, तो उसमें आपके पास पोर्टफोलियो आपका बन जाएगा 4-5 सॉन्ग्स का, जो आपके लिए बेटर एक्सपीरियंस है और लॉन्ग रन में भी बहुत अच्छा काम आएगा। अगर आपके पास एक सॉन्ग है जिसपे 5 लाख व्यूज है, और अगर आपके पास 5 सॉन्ग है जिनपे 1-1 लाख व्यूज भी हैं, तो 5 लाख व्यूज हो गए, और क्या पता ऑडियंस को पहला सॉन्ग पसंद आए, दूसरा आ जाए, दूसरा नहीं तीसरा आ जाए, तीसरा नहीं चौथा आ जाए, तो ऐसे कोई सा भी सॉन्ग जो है ऑडियंस को पसंद आ जाएगा, तो आपके चांसेस ज्यादा हैं कि आप ऑडियंस में ज्यादा बेटर मतलब फैलेंगे, आपका काम ज्यादा दिखेगा और ऑडियंस को पता चलेगा कि आपकी कितनी मेहनत है और किस तरीके के आप सॉन्ग्स बनाते हैं। और तीसरा ऑप्शन आता है, सबसे बेस्ट ऑप्शन, अगर तो आप स्टार्ट कर रहे हैं या फिर अगर आपको लगता है कि आप लॉन्ग रन काम करना चाहते हैं, आप एक प्रोफेशनल सिंगर बनना चाहते हैं, तो आपको तीसरा ऑप्शन मेरे हिसाब से अपनाना चाहिए, स्पेशली जब आपके पास ज़्यादा बजट ना हो। आप अपना सॉन्ग रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके बाद आप एक लो बजट वीडियो बनवा सकते हैं किसी अपने लोकल शहर के बंदे से, या फिर कोई आपका दोस्त हो जिसके पास कैमरा हो, आप उनसे वीडियो बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, या फिर कोई छोटा मोटा जो अभी काम शुरू कर रहा हो उनको काम थोड़ा बहुत आता हो तो आप उनको थोड़े पैसे देके 3-4 हज़ार रुपये देके वीडियो शूट करवा सकते हैं। 2-3-5 हज़ार लगा के चलिए कि आपका शूट और एडिट हो चुका है, वीडियो बन चुका है,
तो आप उसको 20, 15,000, 10,000 जितना भी आपका बजट है, आप उस सॉन्ग को पब्लिसिटी करवा सकते हैं, एडवर्ड्स पे ऐड लगा सकते हैं। उससे बेसिकली आपकी ऑडियंस टारगेट होगी, जिस तरीके के लोगों को आप अपना सॉन्ग दिखाना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, वो सेम ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद फीचर है। अब मान लीजिए कि आपका एक रैप सॉन्ग है, आपने म्यूजिक लेबल पे डाला, म्यूजिक लेबल पे दुनिया भर के अलग अलग तरीके के सॉन्ग्स आते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप ही की कैटेगरी वाली ऑडियंस आएगी। तो इसकी जगह अगर आप 10,000 रुपये ऐसे लगाते हैं एडवर्ड्स पे सस्ती वीडियो बना के, तो आप रैप जो सुनना चाहते हैं उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं, तो उससे आपकी ऑडियंस भी बहुत अच्छी आएगी आपके सॉन्ग पे, और आपकी जो कम्युनिटी है वो ज्यादा बेटर बनने के चांसेस होते हैं। तो अब अगर फाइनल बात करें कि कितना पैसा आपको लगाना चाहिए, अगर तो आपका बजट 4-5 लाख रुपए है और आपके पास पैसा है कि आप आने वाले सॉन्ग्स के ऊपर भी इन्वेस्ट कर सको, तो आप म्यूजिक लेबल के लाइक की वीडियोस बनवा सकते हो, सिनेमा कैमरास, बड़े क्रूज के साथ 1-1.5 लाख की वीडियो बनाई जिसमें हो गया अच्छा खासा एक लेवल सेट हो गया आपका। अगर तो आपके पास इतना पैसा नहीं है और आप प्रैक्टिकल होकर चल रहे हो कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो जिनको सस्ते में आगे चल के लंबे समय तक टिके रहना है, तो आप या तो अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है आप इन्वेस्ट कर सकते हो, हमारे जैसे फ्रीलांसर्स को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जैसे मेरी फीस अगर मैं बात करूँ तो 25,000 से 30,000 के बीच में हमारा स्टार्टिंग प्राइस रहता है। उसमें हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे कैमराज के साथ आपकी प्रोफेशनल लुकिंग वीडियोस बना सके, लेकिन ये चीज़ें डिपेंड करती है कि कहाँ पे हम शूट कर रहे हैं, कैसा शूट कर रहे हैं। अब एग्जांपल के लिए मैं पानीपत रहता हूँ, हरियाणा में मैं मोस्टली शूट करता हूँ। अगर आप मुझे कहें कि जयपुर आना है तो 25,000 की जगह वो ट्रैवलिंग कॉस्ट भी ऐड हो जाती है उसमें, और बाकी चीज़ें भी ऐड हो जाती है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मेरे को ही कॉन्टैक्ट करना है, आप अपने शहर के जो अच्छे खासे फ्रीलांसर्स हैं जिनका काम अच्छा है आप उनसे कॉन्टैक्ट करिए, आपका बजट भी कम रहेगा, आपके कम पैसों में अच्छी वीडियो भी बन जाएगी और आपका काम भी बेटर चलेगा। और अगर आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने खुद ही फोन से या कैमरा से या DSLR जो भी आपके पास है, या फिर किसी लोकल आर्टिस्ट को जो शुरू कर रहा काम, जो सीख रहा, उनके साथ मिलकर काम करते हैं, तो आपके वीडियोस भी सस्ते में बन जाएंगी और आपकी जो ऑडियंस है एक्चुअल में एट द एंड अगर हम देखें तो हम अपना सॉन्ग प्रमोट करना चाह रहे हैं। वीडियोस हम बाद में बेटर बना सकते हैं, लेकिन अगर आपकी ऑडियोस अच्छी हैं तो ऑडियंस आपको सस्ती क्वालिटी वाली वीडियोस से भी मिल जाएगी। सो गाइस, आई होप आपको कुछ सवालों के जवाब जो है इस वीडियो में मिले हो। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और फ्यूचर वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।